Good morning to all of you. Myself Vijay, welcome you all in Biology at Fingertips with Vijay, with me. My dear friends, I have told you about the mnemonics for glycolysis. How to remember easily the substrates of the glycolysis. How to remember the enzymes involved in the various steps of glycolysis. Today, I am going to give a mnemonic for oxidative decarboxylation. And particularly the cofactors and coenzymes. Which one cofactors and coenzymes are present there? It is very simple. देखिए कई बार क्या होता है, मैंने बोला है आपको, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, इसलिए मैं आपको इंडियन नेमोनिक्स पढ़ा रहा हूं, इंडियन इजी ट्रिक्स बता रहा हूं. नेट पे तो और भी मिल जाएंगे शायद, मेरे जो नेमोनिक आपको पसंद आए, इजी टू रिमेम्बर है. Within some time, glycolysis के enzyme तो आपको within 3 minutes आपको याद हो जाएंगे. Substrate के लिए 5 minutes you will take. फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे. और जो oxidative decarboxylation के cofactors और coenzymes हैं, ये तो मैं within 2 minutes आपको याद कराने जा रहा हूँ. Within 2 minutes, my dear friend. देखिए मैं आपको थोड़ा सा story बताता हूँ, how to remember. कैसे बेटा याद करेंगे? मैं आपको बता दूँ. कई बार हमारी सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, और आजकल तो बड़ा चलन है, आपने देखा होगा दिल्ली में बाइक गैंग्स निकलती हैं, बाइक पे दौड़ते हैं लोग, कुछ अलग अलग तरह के लोग. देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं. इसलिए अच्छे लोगों का समूह होता है, बुरे लोगों का ग्रुप और समूह होता है. मैं बुरा तो किसी को भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्या कहूं, उनमें कुछ गुण या अवगुण होते हैं. पब्लिक क्या सब जानती है, पब्लिक तो सब जानती है भैया, और पब्लिक रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इनके अंदर गुण है या अवगुण है. कई बार हमें बोलना पड़ता है यार ये सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, और कई बार ये भी बोलना पड़ता है ये सारे दोस्त तो ऐसे हैं. कैसे हैं मैं आपको बताता हूं, कैसे हैं सारे दोस्त, क्या कहते हैं आप. इट इज देयर माय डियर फ्रेंड्स, टोटल फ्रेंड्स लोफर्स. मवालीज, टोटल फ्रेंड्स लोफर्स मवालीज. एंड एक और अवगुण रह गया, और गुण बताओ चाहे अवगुण बोले बेटा, इट इज नशेड़ी, एडिक्ट जिनको आप कहते. ऐसी भी कई बार गैंग्स होती है, कुछ अच्छे लोग होते हैं मैंने बोला, और कुछ तो ऐसी होती हैं जो ऐसी होती हैं. लोग बोलते हैं सारे के सारे दोस्त ही लोफर हैं, मवाली हैं, नशेड़ी हैं. तो मैं बेटी हमें तो अपना काम निकालना है इनसे, हमने तो इनकी बुराई से भी काम निकाल लिया, हमने तो इनकी बुराई से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के कोफैक्टर्स और क्या बेटा एंजाइम के बारे में, कोफैक्टर्स और कोएंजाइम के बारे में सीखा. याद रखिए कोफैक्टर में टी एफ एल एम एन. ओके, टी फॉर टीपीपी. टीपीपी मैंने कल बताया था आपको, व्हाट इज टीपीपी मैं आज भी बताऊंगा. टीपीपी इज थायमिन पाइरोफॉस्फेट, टीपीपी. ओके फ्रेंड्स, का एफ, एफ स्टैंड फॉर फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. एल स्टैंड फॉर लोफर गैल, इट इज लाइपिक एसिड माय डियर फ्रेंड्स. एंड एम